वे प्रधान जी, जो मन मर्जी करना है कीजिए, लेकिन इतना खुलेआम मत कीजिए। अरे सब लाज शर्म खा रखे हैं प्रधान जी। भूषण, प्रहलाद भाई आप कुछ मत बोलिए, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस प्रधान जी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। भूषण जी आप जरा थोड़ा, अरे छोड़िए भाई, भूषण जी कर रहे हैं। पिछली बार तो रोड बनवा नहीं पाए थे और इस बार गांव में बंटवारा लगवा रहे हैं। अरे वो विधायक नहीं है तो रोड कौन बनाएगा, तुम्हारे बाबू जी? अरे बहाना के अलावा और कुछ है आपके पास? बहाना काहे देंगे, जब विधायक ही नहीं है तो रोड के लिए पैसा मांगने किसके पास जाएंगे? तो फिर फुलेरा में रोड ही नहीं बनेगा। विधायक जी बेल पे छूट चुके हैं, उपचुनाव के बाद उनकी धर्मपत्नी विधायक बनेगी। अब विधायक से तो आप लोग पूरे गांव की लड़ाई करवा ही चुके हुए हैं, अब वो भी किसके लिए? एक सचिव के लिए, इनके लिए। प्रधान जी आप अपनी नाक की लड़ाई में पूरे गांव का बंटाधार कर रहे हैं, गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए जो गांव को, विधायक को, सबको मिला के ले चले। अरे प्रहलाद भाई हैं जिनके कारण आपको एगो दुगो वोट मिल भी जाएगा, लेकिन आपका जो लक्षण दिख रहा है ना, उस हिसाब से आपको एको दुगो वोट नहीं मिलना चाहिए। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, अलहुआ आप मीटिंग।